कॉलेज में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को स्किन पर झुर्रियां यानी रिंकल्स को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। तो चेहरे पर रिंकल्स पड़ना बढ़ती उम्र का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। तो हमारे घर में, रसोई में और आसपास में ऐसे बहुत से चीजें मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल करने पर हम अपने रिंकल्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So the first one is banana, second one is egg, and third one is honey, the fourth one is orange peel powder. Banana mein vitamin B6, vitamin C, various antioxidants aur phytonutrients hai. Banana skin ko exfoliate karke usse excess sebum ko nikalta hai. तो अभी मैं अपने बनाना को स्मैश कर लूंगी। तो बनाना को स्मैश करने के लिए हमें कभी भी मिक्सर ग्राइंडर का यूज नहीं करना चाहिए। अपने चेहरे से टैनिंग को हटाने के लिए आप केले का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। केला डेड स्किन सेल्स को हटाने में भी काफी मददगार है। इसके अलावा केला आंखों की सूजन की समस्या से निजात पाने के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। तो बनाना स्मैश होने के बाद हमें एग व्हाइट को काफी अच्छी तरीके से फेंट लेना है। एग व्हाइट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और फास्फोरस है। इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है जो पोर्स को श्रिंक तो करता ही है और साथ में टाइटन भी करता है। इसके अलावा ये अंडरनाइट डार्क सर्कल्स और पफिनेस को भी दूर करता है। नाउ नेक्स्ट इज हनी, जिसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है जो सन एक्सपोजर के कारण स्किन डैमेज को प्रिवेंट करता है। ये ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करने के साथ साथ कम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन करता है। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। काफी देर तक मिक्स करने के बाद हमें इसमें बनाना पेस्ट को ऐड करना होगा। अब हमें इसको भी काफी अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। अब काफी देर तक मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना होगा 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर में फ्लेवोनॉइड्स और हेस्पिडिन नाम का 2 एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। ये स्किन टोन को लाइटन अप करता है और साथ ही स्कार्स को रिमूव करता है और ये एंटी एजिंग के लिए काफी ज्यादा मददगार है। इस फेस पैक को आप लोग हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर लगा सकते हैं। फेस पैक रेडी होने के बाद आप इसे अपने चेहरे पर अपवर्ड स्ट्रोक्स में ही लगाइए और लगाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। Bye and see you soon, guys.